Good morning, dear students. Our last topic of this chapter, that is deficiency diseases. आज हम पढ़ेंगे कि deficiency diseases क्या होती हैं और किसकी कमी से होती हैं. So, deficiency diseases are caused due to lack of essential nutrients in the diet. हम जो डाइट लेते हैं उसमें कुछ essential nutrients present होते हैं. अगर उस essential nutrients की अगर कमी होने लगती है किसी भी particular nutrient की, तो आपको हो जाती है deficiency diseases. हम उनको prevent भी कर सकते हैं. Prevent कैसे करेंगे? हम proper balanced diet को follow करके हम इन diseases को prevent कर सकते हैं. But हमें ये balanced diet daily लेनी होगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे. We should eat a balanced diet regularly to avoid this type of deficiency diseases. If a diet of a person is deficient in carbohydrate, अगर किसी भी व्यक्ति की जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को क्या होगा? एनर्जी की कमी होने लगेगी, उसको वीकनेस फील होगी, टायर्डनेस फील होगी और उसकी बॉडी लिथर्जिक टाइप की बन जाएगी. Secondly, if a person consumes insufficient amount of protein for a long time, अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, उसकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो उसको एक इम्पॉर्टेंट, एक अलग स्पेशल टाइप की बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. इसको शॉर्ट में बोलते हैं PEM. ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस फेस स्वेलिंग होने लगेगी. डिसकलरेशन ऑफ द हेयर, हेयर का कलर चेंज होने लगेगा उसका. उसको बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, उसको डायरिया भी रहेगा. तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन की कमी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जिसको बोलते हैं PEM. And if a diet is deficient in carbohydrate, fats and proteins for a long period of time, अगर कोई भी व्यक्ति की डाइट इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका फैट्स है, लंबे समय तक उसकी डाइट में नहीं मिल रहा है उसको, तो उस बच्चे की या उस व्यक्ति की ग्रोथ रुक सकती है. ऐसे केस में वो बहुत पतला हो जाएगा, उसका चेहरा, उसकी बॉडी येलो लगने लगेगी, बहुत वीक लगेगा और आने वाले टाइम में जो भी है उसको मूव भी नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा वीक फील करेगा. नाउ We will discuss some deficiency diseases in children. बच्चों में कुछ deficiency diseases होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. First of all, marasmus के बारे में पढ़ेंगे. ये जो disease होती है वो protein और carbohydrate की कमी से हो जाती है. इसमें baby की जो limbs होते हैं काफ़ी पतले रह जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा low weight हो जाता है as compared to other in his age group. उसके age group का कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी बच्चा होगा, उसके compare करने पे उसका weight काफ़ी कम रहेगा. A diet rich in energy, vitamins, minerals helps to control the disease. अगर वो बच्चा, उसकी diet में अगर energy पूरी मिल रही है उसको, vitamins मिल रहे हैं, minerals मिल रहे हैं, तो वो recover कर सकता है इस बीमारी से. सेकेंडली, क्वाशियोरकर जो डिजीज है वो आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यहाँ पे फैट्स इंक्लूड और हो जाएगा, उसकी कमी से होती है. तो मैरिस्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रही थी मैरिस्मस, क्वाशियोरकर में फैट्स भी इंक्लूड हो जाएगा. तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है क्वाशियोरकर. इसमें क्या होता है, बेबी सफर करेगा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, उसके लेग स्वेल कर जाएंगे, उसकी ड्राई स्किन, जो उसकी स्किन होगी काफी ड्राई होगी, स्केली टाइप की पतली पतली उसकी स्किन होगी, रेडिश हेयर हो जाएंगे उसके. ऐसे बच्चे का जो पेट होगा काफी बल्जिंग, फूला हुआ सा पेट रहेगा और बहुत ज्यादा लिथर्जिक रहेगा, कोई एक्टिव नहीं, उसके अंदर एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं होगी बच्चे के अंदर. प्रोटीन रिच डाइट अगर ले रहा है तो इस बीमारी को से वो कंट्रोल कर सकता है. कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप गलत डाइट लेते हो उससे हो जाती हैं, जैसे ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड. आप बहुत सारा फ्राइड फूड खाते हैं, जैसे समोसा, पूरी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा, पकोड़ा, स्वीट डिश भी खाते हो, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, आइसक्रीम रेगुलरली अगर आप ले रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. इसलिए गलत फूड कभी ना खाएं, एक्सरसाइज डेली करें. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और रॉन्ग फूड खाते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है आपके अंदर जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे बोलते हैं फैटनेस. दोज हु सफर फ्रॉम ओबेसिटी आर कॉल्ड ओबेस. ऐसे व्यक्ति जो ओबेसिटी से आप सफर कर रहे हैं उसे ओबेस कहेंगे. एक्सरसाइज
इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, जैसे कि हमारे लाइफ में फूड इम्पॉर्टेंट है. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस कीप्स ऑल द डिजीजेस एट बे. आप डेली अच्छी से डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, फिट रहो, योगा करो, आप किसी भी बीमारी से आप उसमें इफेक्टेड नहीं होंगे. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आप ध्यान से देखिए. फर्स्ट पिक्चर मेरेस्मस की है, इसमें बेबी को मेरेस्मस हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं. सेकंड में क्वाशियोरकर है, बेबी का जो चीक्स का काफी स्वेलिंग टाइप के हैं. थर्ड में ओबेसिटी कंडीशन को दिखाया गया है कि बच्चे छोटे से ही किस तरीके से ओबेस हो जाते हैं, वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर. So students, now our chapter is completed, but there are some healthy eating tips that you have to read by yourself and try to understand these points, okay? Now, thank you for today. Bye.